नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद गोरख प्रांत की वार्षिक बैठक की गई है। इस बैठक के क्या मायने हैं और इस बैठक को क्यों वार्षिक बैठक कहा गया है? इस बैठक से क्या फ़ायदे होने वाले हैं? पूर्व सैनिकों के द्वारा इस तरह के बैठकों को क्यों किया जाता है? आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा संयोजक तथा संरक्षक ब्रिगेडियर शिवजी ने। आज हम लोग अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के गोरक्ष क्षेत्र का वार्षिक बैठक 2021 सम्पन्न कर रहे हैं। इसमें हमारे गोरख क्षेत्र के 10 जिलों के प्रतिनिधि आए हुए हैं और ये दिन भर का कार्यक्रम है। इसमें हमारी महिला शक्ति भी आई है और इसमें हमारे साल के कार्यक्रमों के बारे में हमारा जो वार्तालाप होगा और आगे आने वाले साल में हम क्या और करने जा रहे हैं, उन सब बातों पर चर्चा होगी सभी जिला के प्रतिनिधियों के साथ। और साथ ही साथ हम जनहित के लिए पूर्व सैनिक के तौर पर क्या हम लोग आगे कर सकते हैं, क्या हमने किया है, कहाँ हमारे उसमें कमियां रह गई हैं और किस तरीके से हम उसको और सुधार सकते हैं, इन सभी बातों पर चर्चा होगी। इस सम्मेलन के दौरान हमने अपने उन पूर्व सैनिकों का सम्मान किया है, उन वीर नारियों का सम्मान किया है। कुछ हमें अपने गोरखपुर के जो सम्मानित लोग हैं उनसे कुछ हमें योगदान मिला है, जिसमें दो व्हीलचेयर्स हमने अपने विकलांगों को आज उन्होंने समर्पित किया है। और जो बहुत बुजुर्ग हमारे पूर्व सैनिक हैं उनके लिए वॉकिंग स्टिक दी गई है सम्मान के तौर पर। और इस कार्य के लिए जो भी नागरिक हम लोगों का योगदान किए हैं उनको हम आभार प्रकट करना चाहेंगे, उन्हें हम धन्यवाद करना चाहेंगे। थैंक यू। जैसा आपने कहा, नई पीढ़ियों के लिए कुछ बोलने के लिए, हमारा देश एक बहुत ही काबिल देश है, हमारे देशवासी बहुत काबिल हैं। अगर आप देखें, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स में जितने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, जितने नहीं, बहुत सारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स भारतीय हैं। यही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में काबिलियत इतनी है हर तरह से। तो जो आप लोग यंगस्टर्स हैं, आगे की फ्यूचर हैं इस देश का, आपका ये कर्तव्य है कि इस देश को महान बनाइए, अपनी काबिलियत इस देश, अपने देश की तरक्की के लिए लगाइए और फौज को भी अच्छे काबिल यंग मैन चाहिए, ऑफिसर्स के लेवल पे या जवान के लेवल पे फौज में जाइए, जो एक बहुत ही साधारण और सच्ची जिंदगी है, जहाँ पे एक दूसरे के साथ मिलके हम अपने अपनी देश की, अपने यूनिट की गौरव बढ़ाते हैं और हर एक चीज़ की देखभाल करते हैं। बस यही आपसे कि इस महान देश को महान बनाना है और आप लोग जो भविष्य हैं ये आपके ऊपर है। धन्यवाद। जितने हमारे पूर्व सैनिक हैं और जो अधिकारी रैंक से रिटायर्ड हुए हैं, चाहे वह फौजी ही क्यों ना रहा हो, उनको जो रिटायर हो चुके उनको सम्मान किया गया। उन्होंने कहा कि दो व्हीलचेयर जो कि सामाजिक सहयोग से प्राप्त हुआ है वह भी देने का कार्य किया गया, साथ ही साथ वॉकिंग स्टिक भी दी गई है तमाम उन अधिकारियों को जो चल पाने में भी असमर्थ हैं। इस खास बातचीत में उन्होंने कहा कि देश को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए हम फौजियों और हम फौजियों के जज्बातों को लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे भारत देश को फौज के माध्यम से और सशक्त और मजबूत बनाया जा सके। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।